नाउ पार्ट टू। पार्ट टू में आप लोगों ने मल्टीप्लीकेशन करना है किसी भी थ्री डिजिट के नंबर से। नाउ आपने टर्म लिखी 40,466 एंड 602 से मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले हम लोगों ने वन डिजिट लेना, उससे मल्टीप्लाई किया। 26 का 12, 26 का अगेन 12, 12 प्लस 1 13, 13 लिखा। जिस तरह से आप लोगों ने पिछले क्वेश्चंस में भी किया है, 3 लिख करके 1 उधर कैरी चला जाएगा, सेम वे से आपने करना है। 24 जा 8, 8 प्लस 1 9, 20 का 0, 24 जा 8, यहां तक हो गया। अब नेक्स्ट डिजिट 0 है टेंथ प्लेस में, तो आप लोगों ने एक क्रॉस लगा करके 0 किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा, वहां तक कंप्लीट किया। नेक्स्ट आपका 100 प्लेस में है 6, अब 6 से सारी टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी। अगेन 1 क्रॉस के बाद आप यहां पे 2 क्रॉस लगाओगे। 66 का 36, 36 लिखा, 3 कैरी, 66 का 36, 36 प्लस 3 क्या हो गया 39, आपने 39 लिखा। 64 जो 24, 24 प्लस 3 27, 27 एंड 6 0 जा 0 हो गया, 0 प्लस 2 2 आ गया, 64 जा 24। अब इस प्रोसेस में सेम आप इन तीनों को ऐड करोगे। आप लोगों ने ये जरूर ध्यान रखना है कि जो आपके डिजिट्स हैं वो सिंगल लाइन में ही जा रहे हो, मतलब एक दूसरे के नीचे, एक डिजिट के बिल्कुल नीचे होना चाहिए आपका नेक्स्ट डिजिट, इसी तरह से हट जाने चाहिए, तो आप लोगों के क्वेश्चंस में मिस्टेक्स थोड़ी कम होंगी। नेक्स्ट देखो, 2 एज इट इज आ गया, 3 में भी कुछ भी ऐड करने के लिए नहीं है एज इट इज। 6 प्लस 9 इज इक्वल टू 15, 5 यहाँ पे क्या एंड 1 कैरी चला गया, 9 प्लस 1 10, 1 यहाँ पे अगेन कैरी, 7 प्लस 8 15, 15 प्लस 1 16 हो गया एंड 1 यहाँ पे कैरी किया, 2 प्लस 1 3, 4 एज इट इज 2 एज इट इज, आपके पास आपका आंसर आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन पार्ट बी, अपने इस टर्म को 495 से मल्टीप्लाई करना है। एंड सबसे पहले देखो वंस प्लेस में 5 है, तो आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 0 का 0, 0 का अगेन 0, 5 वन जा 5, 5 वन जा 5, 5 3 जा 15 एंड नेक्स्ट आपके पास जो डिजिट है टेंथ प्लेस में 9, आप एक क्रॉस लगाओगे एंड स्टार्ट कर दोगे। 9 0 का 0, 9 0 का अगेन 0, 9 वन जा 9, 9 वन जा 9, 9 3 जा 27। सिमिलरली आपने 4 से मल्टीप्लाई किया एंड तीनों टर्म्स को ऐड कर लिया। क्लियर? इन क्वेश्चंस की आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उसी से आप लोगों के ये क्वेश्चंस और क्लियर हो जाएंगे।